नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। सरकार द्वारा गांव को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से हर महादलित टोली में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन कई जगहों पर संवेदक द्वारा इसे आधा अधूरा बनाकर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया, जिसका उपयोग वहां के स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे। मजबूरन महादलित समुदाय के लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। लाखों की लागत से बनी इस शौचालय को देखने वाला कोई नहीं। बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले के सौरबचार प्रखंड की, जहाँ नादो पंचायत के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 मथुरा गांव महादलित टोले में वर्षों पूर्व बनाए गए सामुदायिक शौचालय चालू होने से पहले ही दरारें पड़ गई हैं। अब तक यहां के लोगों को शौचालय की चाबी तक नहीं सौंपी गई। संवेदक द्वारा मनमाने तरीके से सीट और दरवाजा लगा दिया गया है। वहीं स्थानीय दिलीप सादा, मंटू सादा, शंकर मल्लिक, मंजू देवी सहित अन्य लोगों ने बताया कि जन कल्याण विभाग के द्वारा इस शौचालय का निर्माण करवाया गया है, जिसका शिलान्यास प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनिया ढंढनिया सहित अन्य अधिकारियों ने किया था, जो अभी तक सुचारू नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो कई बार इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमरा आर के कुछो सुविधा नहीं मिले छे। हे जेहना बनल के तेहना के ताला मारल छे। एमे हे जेहन ने बॉल सिमिर दल के हे दबाल ढहि गेलै हन। सब हर हर ताला मारल रहै छे। बाहर भीतर जाय छियै, लोग लोटा छीन के फेंक दै छै, दबारै छै, मारै पीटै ल कथि ले बनल के। एक साल भए गेलै हन, अखन तक कुछ नै बना सकलै यै। खुलै छै की नाम छ? मंजू देवी। कुछ सुविधा नहीं मिलता है यहाँ से। यहाँ पे टूट गया, ताला मार दिया, यहाँ से चला गया लूटपाट के। तो हम लोग को सुविधा नहीं मिलता है, नहीं लेडीज को मिलता है, नहीं मर्द को मिलता है। हम लोग कैसे चपते इधर? सरकार का योजना था, ये अच्छा बनाने का है, अच्छा बना के नहीं गया। क्या नाम हुआ आपका? शंकर। ये जो है जन कल्याण सोसाइटी लिमिटेड का जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर बोला कि जो है इसको 2-3 महीना का गारंटी लिया था। इसमें वीडियो मैम भी आया था, जो कि सोनिया ढंढनिया अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी है। वो लोग आया है महादलित को देख करके, बोला कि हम शौचालय बनने में बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं है। ये 20 में हुआ था, लमसम में फरवरी से शुरू, लेकिन अभी तक जो है 15 अगस्त का डेट भी था 20 में, लेकिन फैलन नहीं किया गया। उसके बाद भी दो बार गए थे, वीडियो मैम को बोले तो बोला हाँ हाँ फैलन हो जाएगा, लेकिन अभी भी 21 फैलन होने जा रहा है। लास्ट दिसंबर भी चल रहा है। हम लोग का इतना परेशानी होता है बाथरूम करने में, जो कि हम सब सड़क पर जाते हैं, जिसको नहीं है सुविधा अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। और इसमें जो है 2 गो स्नान घर है, 4 बाथरूम है, अथी शौचालय है, और 2 गो नहाने वाला है। लेकिन महिला पुरुष के लिए बोला था, जो कि अभी भी मलिक टोला में भी वहाँ पर भी ताला लोक है बना उना करके, वहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है। लेकिन वीडियो से अभी ये लोग का रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है, इसी कारण से ऐसा स्थिति हो गया है। यूएफटी लाइव के लिए मुंटुन कुमार की रिपोर्ट।